Isn't it cute? चाहे आंटी से तुम जितना भी नाराज हो या आंटी तुमसे जितना नाराज हो, उन्होंने कितनी अच्छी तरह रोहान से बातें की हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि उन्होंने मेरे बिहाफ पे पहली दफा वो वाली बातें की हैं जो या मैं खुद करती हूँ या खुद सोचती हूँ। बस यही तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है जिसकी कमी तुम्हारी जिंदगी में थी। लेकिन एक्चुअली नेहा, पता है बात क्या है? मैंने ना उनसे काफी रूडली बात की थी, थोड़ी सी बदतमीजी की थी, तो मुझे ना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो मैं इसलिए उनको अवॉइड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम रूहान को जाने नहीं दो। ना वो जा रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, कसम खा, वो अच्छा इंसान है। ऑफ कोर्स वो अच्छा इंसान है, आई नो दैट। लेकिन उसकी मामा ने जो बातें की उनसे मैं डर गई हूँ। नेहा, वो मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती हूँ, क्या बड़े अजीब से ख्यालात हैं हमारे बारे में। तुम्हें पता है रूहान बहुत सपोर्टिव है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, उसकी मम्मा के साथ नहीं। तो मैं शादी के बाद रूहान को लेकर भाग जाऊंगी, अलग घर में रखूंगी ताला लगा के। नेहा, आई लाइक पीपल, मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली और मैं, हम इकट्ठे मिल के रहें। तो तुम दानिश के बारे में तो नहीं सोचने लग गई हो? तुम सब क्या हो गया भाई? ऑफ कोर्स नॉट, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं हो सकते। देखो, रूहान हो या ना हो, दानिश इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एक्सक्यूज मी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो मैं, आई नो फॉर अ फैक्ट तुम रूहान को पसंद करने लगी हो, तुम रूहान को जाने नहीं देना। एतबार वाले लोग कम मिलते हैं, बस ये एतबार नहीं खोना उसका। तुम मुझे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। पक्का?